एकदम शुरू से रिंग का क्या हुआ पापा? वो रिंग एक स्टोरी बनकर रह गई, एक ऐसी स्टोरी जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। लेकिन पापा वो रिंग कहीं तो होगी ना? होगी नहीं बेटा, है यही इसी अर्थ पर। उसी रिंग का पता लगाने के लिए तो मैं डिफेंस रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी DRSO में इतने सालों से रिसर्च कर रहा हूं। आप सही थे पापा, आप सही थे। यू आर अ जीनियस पापा। ये रिंग असल में मेरे हाथ में है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना डेस्परेटली किसी और चीज को नहीं चाहा होगा, क्योंकि पापा तक पहुंचने का एक तुम ही जरिया हो। फाइनली मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ हो। अब इस रिंग की मदद से पूरी दुनिया को साबित कर दूंगा कि आपने जो भी रिसर्च करी थी वो सब सही थी। यू वर अ जीनियस पापा। यस आप सही थे, यू वर अ जीनियस पापा, जीनियस पापा। किसी मानव में इतना सामर्थ्य नहीं जो तंश का सामना कर सके। मेरी हार का कारण कोई और नहीं, स्वयं मेरा अहम है। उस एक क्षण में उस संकुटी को प्राप्त करने से अधिक मेरे लिए उस तुच्छ मानव की प्राण लेना महत्वपूर्ण हो गया था। मेरा ध्यान भटका और अंगूठी मुझसे छिन गई। धिक्कार है। हट, हट, चल। कौन? कौन है भाई साहब? क्लियर याद नहीं है। ये सब कुछ सच में हुआ था या कुछ? तो बात है जो तुम्हारे लिए लोग मरने मारने को तैयार है, मेरी तो चलो सालों की अंडर वाटर ट्रेनिंग है, पर वो दूसरा कौन था जो पानी में इतना कंफर्टेबल था? इतना तो तय है कि कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, शायद कोई ट्रेन्ड किलर या कुछ और जो इस रिंग के लिए किसी को भी अपने रास्ते से हटा सकता है। एक तुच्छ मानव महाबली तंश के हाथों से अंगूठी छीनकर फुर हो गया, पर जब आचार्य
अपने प्रिय सेनापति से पूछेंगे कि वो अंगूठी जिसमें समस्त असुरों का भविष्य निर्भर करता है, वह तुच्छ मानव तुमसे कैसे छीन के ले गया? क्या उत्तर दोगे? वीर, 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 कहाँ है तू? वीर, 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 मिला क्या? अरे नहीं मिला यार। मिलेगा भी नहीं। क्या? I mean, वो सेफ्टी नेट कट गया था ना? और इतनी ऊपर से कोई नीचे गिरा तो कैसे बचेगा डैड बेचारा? क्या बोल क्या रहा है तू? ये बोल रहा हूँ कि वो प्रैंक कर रहा है। पहले भी किया है उसने फिल्म सिटी वाले सेट पे, याद है ना आपको? देख, ये बहुत सीरियस मामला है। अगर कहीं वीर का एक्सीडेंट हो गया कुछ नहीं होगा। अरे नौटंकी कर रहा है वो, मजे ले रहा होगा होटल वोटल में। और गया होटल पे नहीं है वो, मैंने फोन करके पूछा था और वो नौटंकी नहीं करा रहा। चुप रहे, उसके साथ मिला हुआ पता है मुझे, टाइम वेस्ट मत कर सबका। अरे क्या आप क्या फोर्स कर रहे हो पूरी यूनिट को उसको ढूंढने के लिए? Not listening to me, Dad. Rocky, I'm sorry, कोई किसी को force नहीं कर रहा है। Everybody is concerned, इसलिए उसको ढूंढ रहे। अगर तुम concerned नहीं हो तो right. अब सबकी नोक मेरी तरफ है। I mean, हम सुबह morning shoot कर रहे हैं। I'm sure सबको rest चाहिए होगा, Dad. तो क्या करें? छोड़ के चले जाएं उसे? भगवान भरोसे? वीर इतना सा था जब मैं उसे लेकर आया था, और पहले तो इतना सदमे में था कि मेरी उंगली पकड़ के सोता था। मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया, ही इज माय फैमिली। अपनी सेफ्टी से पहले तेरे स्टंट्स के बारे में सोचता है वो, कोई और ऐसा नहीं करेगा। ढूंढो उसे। वीर, वीर कहाँ हो तुम? ओवर एक्टिंग करने बुलाया क्या? तू ठीक है ना? तेरे को लगी तो नहीं ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल मेरे साथ चल। अरे एक मिनट। क्या जवाब देता मैं दीदी को ऊपर जाकर? बड़ा स्टंटमैन बना फिरता। तू मेरी जिम्मेदारी है, समझा तू? आज से तेरा ये उछलना कूदना सब कुछ बंद। मैं तेरा वो स्टंटमैन वाला कार्ड भी कैंसिल करवा रहा हूं। तुझे कुछ कुछ हो जाता तो कुछ हो जाता तो किसके साथ पीता मैं? नहीं होगा मामा जी, आई प्रॉमिस। हाँ ठीक है।
क्रोध नहीं, क्रोध से अधिक निराशा है हमें। इस हार के बाद हमें अपनी बुद्धि, अपने विवेक पर शंका हो रही है। कहीं तुम पर विश्वास करके हमने भूल तो नहीं की? एक तुच्छ मानव के हाथों मायावी अंगूठी गवाकर तुमने असुर जाति की गरिमा को कलंकित किया है मेरे धंश। धिक्कार है, मायावी अंगूठी पर असुरों का अधिकार है, जिसकी सहायता से हम तीनों लोगों पर राज करने की योजना बना रहे थे। आज तक हम असुरों के साथ जो भी अन्याय, जो भी छल कपट हुआ है, उसका प्रतिशोध लेने का एकमात्र उपाय था हमारे पास। वर्षों से हम उस क्षण की प्रतीक्षा में थे जब वो अंगूठी फिर से हमारे हाथों में होगी, परंतु वो अवसर भी तुमने हमसे छीन लिया मेरे दंश। हमारी विजय का प्रतीक अब इसका कोई मूल्य नहीं है। अचल जी आचार्य, असुर ध्वज की ओर बढ़ो। अग्नि जला दो ध्वज को। जारा, एक्सक्यूज मी, कार रेडी है, साथ चल रही हो ना? बहुत सारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक करी है। रियली? ओहो, ये तो फिर शुरू हो गया। पापा क्या कहा करते थे इस रिंग के बारे में? होता क्या है इस रिंग से? I'll see you in Mumbai. Bye, Rocky. No, listen. Zara, समझती। अगर ये मेरे साथ गेम खेल रही है ना? Oh, I like it. ये अगर इतनी जल्दी पट जाएगी तो मजा ही क्या है? Hi, Rajiv. Hi, Zara. कैसी हो? Yeah, tell me. Great news. तुम the most searched Indian influencer under 25 की लिस्ट में 20 नंबर पे हो। पिछले साल 22 पे थी। अरे ग्रेट न्यूज ये नहीं है, ग्रेट न्यूज ये है कि तुम्हें ब्लब कॉस्मेटिक्स का नया एड मिला है। What? अरे ये सब तुम्हारे पिक लाइफ का कमाल है। Oh, is it? तुम्हारा नाम सुन के जैसे ही तुम्हारे सीक्रेट बॉयफ्रेंड ने ब्लश किया ना, ये सिर्फ उसी का कमाल है। अरे एक्चुअली बात ये है कि वो तुम दोनों को साइन करना चाहते हैं। इट्स अ कैंपिंग, इट्स अ कपल एड यार। What? Nonsense. वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। We'll be right back.
अरे सलीम, मेरे को वैक्स स्टैचू बनाने का कितना खर्चा आएगा? 4.5 लाख रुपया तक आएगा। क्या बात कर रहा है, इधर आ, इधर आ, बजट बनाते हैं। एक्सक्यूज मी ज़ारा, आप मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ओ ओ ओ सॉरी सॉरी ज़ारा, यू स्टे। थैंक यू। हाँ क्यों? अब मेरी इतनी फिक्र जो की थी तुमने, झूठ मत बोलना। मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे पे जो वो थैंक गॉड ही इज ओके वाली स्माइल आई थी ना, वो देखी थी मैंने। वैसे बताऊं मैं कहाँ था? अब असली वाली को तो बता नहीं सकता, पर तुम्हें तो बता सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, पर इसके पीछे कहानी बहुत लंबी, सुनाता हूँ। लगता है सर पे ज्यादा चोट लग गई है। तो समझी तुम, पापा सही थे, उन्होंने इस रिंग को लेकर जो भी रिसर्च किया था वो सब सही थी। जैसे कि वो कोई साधारण अंगूठी नहीं है दंच, क्या है उसकी उत्पत्ति का रहस्य, उसकी ऊर्जा का स्रोत कहाँ है, क्या क्या अलौकिक शक्तियां हैं उसमें निहित, ये देवताओं को भी नहीं ज्ञात। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र के ही समान मायावी अंगूठी भी संसार की सबसे घातक शक्तियों में से एक है, जो अब एक तुच्छ मानव के हाथ लग गई है। बचपन से मैं बस उस एक क्लू की तलाश में था जो मुझे पापा तक पहुंचा सके। अब फाइनली ये रिंग मिल गई है तो ऐसा लग रहा है जैसे पापा की कोई निशानी मिल गई है। अब देखना, वो भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। मिल जाएगा उसे जो वो चाहेगा, पर पहले वो अंगूठी उसकी परीक्षा लेगी। मानव को ये लग सकता है कि अब वो अंगूठी उसके वश में है, पर वास्तव में वो स्वयं उस अंगूठी का गुलाम होगा। वो उसे रिझाएगी, फिर अपने वश में करेगी। पर उससे होगा क्या आचार्य? हर मनुष्य के मन में कुछ गुप्त इच्छाएं होती हैं, जिन्हें वो दबा कर रखता है। मायावी अंगूठी उन गुप्त इच्छाओं को बाहर लेकर आती है, तब मनुष्य का असली रंग सामने आता है। सही गलत का भेद भूलकर अपने ताकत के नशे में फिर वो कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसे उसके पतन की ओर ले जाता है। इस मनुष्य के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा।